शांति। आज की तारीख है 29/5/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, जैसा हमारे वंडरफुल बाबा हैं, बाबा वंडरफुल कैसे हैं, शिव बाबा का न कोई पिता है, है कोई पिता नहीं, शिक्षक है नहीं, शिव बाबा का कोई गुरु सतगुरु है नहीं। शिव बाबा कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है, उसे अपना कोई बाप नहीं, वो कभी किसी से कुछ सीखता नहीं और उन्हें गुरु की भी दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। तो बाबा की ऐसी वंडरफुल ऐसी कई बातें हैं जिन बातों को याद करते हुए हमें क्या करना पड़े, बाबा को याद करना पड़े। तो आपस में वर्कशॉप करें या फिर मनन चिंतन विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स निकालें कि शिव बाबा किन किन बातों में वंडरफुल है। अच्छा, आज का प्रश्न है याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। उत्तर है, मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि याद में जब बैठते हो तो क्या करो, बाप की करंट खींचते रहो, ऐसा याद करो जो बाप से सीधा करंट मिले, जो रोम रोम में अंदर में समा जाए और हमारे विकर्मों का विनाश करे। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, ऐसी करंट लो, ऐसे आकर्षण मूरत बनो जो बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। ये बहुत सहज याद है, इसका मतलब क्या हुआ, करंट लेना बहुत सहज है, लेकिन बाबा की फरियाद है हम बच्चों के प्रति, उलहना है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। बाबा तो है ही वंडरफुल पॉजिटिवली, लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, बाबा को ही कहते हैं कि बाबा आपको हम घड़ी घड़ी याद करना भूल जाते हैं। कितनी बड़ी वंडरफुल बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। धारणा के लिए मुख्य दो बिंदु, नंबर एक है किसी भी एक्टर से रावण हसद करे यानी ईर्ष्या करे, विघ्न डाले तूफान में लाए, तो उसे न देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। इसका मतलब यह भी हो गया कि कोई ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जैसे कि रावण हो गए या रावण संप्रदाय के हो गए, तो उसको न देखकर अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। नंबर दो है रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी है, सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी के रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिमान स्वरूप से, मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप का स्वरूप को इमर्ज करो,
तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ स्वतः ही अनुभव करेंगे। फिर ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य, श्रेष्ठ और भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। स्लोगन है आज का, ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।